देश के एक ऐसे ग्राम नेवरिया जहां निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र बनवाया गया, वहां पर आवागमन का कोई भी आधिकारिक मार्ग उपलब्ध नहीं है और दूरस्थ सिदहा और भमरिया ग्राम के लोगों को मतदान करने के लिए कच्ची मेड़ और नाला पार करके जाना पड़ता है। गगेव जनपद रीवा का नेवरिया ग्राम सिदहा पंचायत का हिस्सा है। मतदान केंद्र अलग अलग करने का मामला अभी शांत नहीं हुआ और राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बना हुआ है। तो वहीं 17 जून 2022 को जांच करने पहुंचे मनगवा तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी ने एक ऐसी बात कह दी जिसने गरीब और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी आहत कर दिया और लोकतंत्र के महोत्सव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। साथ में 1947 के पहले अंग्रेजों की गुलामी के दिनों की याद दिलाता है। तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी ने अपने नए जोश और बात बात में एक ऐसी बात कह दी जिससे न केवल सिदहा ग्राम के ग्रामीण बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे गरीब जो आवागमन से बाधित हैं या जहां भ्रष्टाचार के कारण आवागमन के मार्ग सुलभ नहीं हो पाए हैं, वह सभी आहत हुए हैं। अनुराग त्रिपाठी ने अपना स्थल पंचनामा बनाते हुए विभिन्न प्रकार की बातें की और कहा कि 10 दिन में अब नया मतदान केंद्र बनाया जाना संभव नहीं है और जहां मतदान होना है वहीं पर होगा। उन्होंने आगे कहा कि गांव में तो हम जानते हैं कि लोग नदी नाले खेत पार कर भी अपने कार्य कर लेते हैं। ग्रामों में किसान रहते हैं जो खेतों में काम करते हैं और यदि लोग बहन बेटियों की शादी नदी नाले पार कर करवा लेते हैं तो यदि जिसे मतदान करना होगा तो मतदान भी कर लेंगे और नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। भमरिया निवासी नंदलाल आदिवासी ने प्रश्न किया कि साहब हम तो युवा हैं, मजदूर हैं, नदी नाले पार कर किसी तरह से मतदान करने पहुंच जाएंगे लेकिन हमारी माँ बाप और बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे। तो तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी के द्वारा कहा गया अपने माँ बाप और बुजुर्ग लोगों को मतदान केंद्र पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, जैसे तुम मतदान केंद्र में जाओ वैसे उन्हें भी मतदान केंद्र तक पहुँचाओ। लेकिन शायद नए नए तहसीलदार साहब को यह भी नहीं पता है कि बुजुर्ग विकलांग और अक्षम मतदाताओं के लिए मतदान कराए जाने हैं तो सरकार अलग से भी व्यवस्थाएं करती है जिसमें उन्हें व्हीलचेयर और वाहन की व्यवस्थाएं करवाती है। आज जब वर्ष 2022 में स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष बाद ग्राम स्वराज्य के लिए पूरे 8 वर्ष इंतजार करने के बाद लोकतंत्र का महोत्सव मनाया जाने वाला है, उसमें मनगवा के SDM अखिलेश प्रताप सिंह और उनके द्वारा भेजे गए तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे अंग्रेजों के कार्यकाल में हुआ करता था। जिस प्रकार स्थल निरीक्षण करने आए अनुराग त्रिपाठी ग्रामीणों पर अपनी धौंस जमाते हुए उन्हें बुरा भला कह रहे हैं और जबरन मतदान करने और बिना आवागमन की व्यवस्था और बिना किसी सुविधा के मतदान करने के लिए दबाव बना रहे हैं, इससे लगता है जैसे यह अंग्रेजों के जमाने के अधिकारी हैं और लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है जहां जनता अपने अधिकारों की मांग कर सके या फिर मूलभूत मानवाधिकारों जैसे पानी, बिजली, सड़क की मांग कर सके। यदि जनता अपने अधिकारों की मांग करे तो वह दोषी है और स्वयं ही कटघरे पर खड़ी हो जाती है। ऐसे में भूतपूर्व सरपंच राजमणि सिंह, युवा मतदाता रितेश प्रताप सिंह, मनोज सिंह, विनोद सिंह, नंदलाल आदिवासी आदि ने ऐसे मनगवा के तहसीलदार और SDM को तत्काल मनगवा से हटाए जाने की मांग की है और कहा है कि यदि यह चुनाव के दरमियान ड्यूटी पर रहें तो मतदान भी प्रभावित कर सकते हैं। निर्वाचन कार्य में दबाव और बाधा न उत्पन्न हो इसके लिए ऐसे अधिकारियों को मनगवा से तत्काल हटाया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन, निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी से कार्यवाही की मांग भी की। आइए सुनते हैं उक्त मामले में ग्रामवासियों का क्या कहना है। मैं रितेश प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत सिदहा का निवासी हूँ। हमारे यहाँ कुछ दिन पहले अभी पोलिंग बूथ को बदलने को लेकर या नया पोलिंग बूथ बनाने को लेकर एक आवेदन दिया गया था जिसको लेकर कल तहसीलदार मनगवा आए थे। तारीख थी 17 जून 2022 की। उन्होंने अपनी जाँच की, कार्यवाही की, पंचनामा बनवाया। उसी बीच में सड़क की बात में उन्होंने एक कमेंट किया कि अभी यदि आपके बहन बेटियों की शादी होती तो आप लोग सब जाते कर लेते, सारी व्यवस्था कर लेते। अब यहाँ प्रशासन की गर्दन फंसी है तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपको प्रशासन उपलब्ध करा के दे। और माननीय हमारा आपसे ये निवेदन है कि अगर हमने मतदान की व्यवस्था करने के लिए मांग की और ये गलत है लोकतंत्र में तो हम कतई ये नहीं कहेंगे, जबकि हमारा तो मानना ये था जहाँ तक हम जानते हैं कि जेल में रहते हुए व्यक्ति को भी मतदान का अधिकार है और उसे शासन ये व्यवस्था देती है तो उसकी व्यवस्था कराई जाए मतदान की। तो कृपया इस तरह की अपमानजनक बातें ना करें जो कि एक अधिकारी को शोभा नहीं देता है और ऐसी बातों से मतदान भी प्रभावित हो सकता है, चुनाव प्रभावित हो सकता है। यदि आप अपना काम करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ऐसे अधिकारियों को हम ये उम्मीद करते हैं कि निर्वाचन यहाँ रखे ही नहीं जो मतदान प्रभावित करें। मैं राजमणि सिंह परिहार निवासी ग्राम सिदहा, ग्राम पंचायत सिदहा का निवासी हूँ।
कल दिनांक 17 को तहसीलदार मनगवा अनुराग त्रिपाठी आए थे। स्थल निरीक्षण सदहा से नेवरिया के बीच करने को। दिक्कत ये है कि अगर केवल नेवरिया पोलिंग होती है तो सदहा के लोग नहीं जा पाते, और सदहा पोलिंग होती है तो नेवरिया के लोग नहीं आ पाते। मेरी मांग ये थी कि सदहा को भी पोलिंग बना दिया जाए, क्योंकि सदहा पहले से ही 97 नंबर पोलिंग थी, और नेवरिया को भी पोलिंग बना दी जाए उनकी सुविधा के हिसाब से, और दोनों लोग वोट करें। शासन की मंशा भी है, निर्वाचन आयोग की मंशा है कि अधिक से अधिक लोग अपना मतदान करें। तहसीलदार साहब ने कहा कि अगर आपके बहन बेटी की शादी हो तो आप बांध पैर के, नाला पैर के चले जाते हैं, क्या वोट डालने नहीं जा सकते? मैंने उनसे कहा कि साहब देखिए, शादी और ब्याह का मसला अलग है, ये चुनाव का मसला है। आप किसी की बहन बेटी की शादी को चुनाव से मत जोड़िए, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। और आप जिस काम को करने आए हैं, जो मेरी शिकायत है उसको सुन लीजिए और उस पर कार्यवाही करिए और पंचनामा बनाइए। पर ऐसा उन्होंने करने से मना कर दिया और कहा कि ये संभव नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। और उनकी भाषा से बड़ा स्पष्ट लग रहा था कि जैसे वो अंग्रेजियत के शिकार हों, हम लोगों को डरा धमका रहे हों, जैसे हम लोगों ने तहसीलदार और कभी देखा ही न हो। और इस लोकतंत्र में कोई भी कर्मचारी डरा धमका के हमको अपनी बात मनवाए, ये शायद मेरे जैसे उम्र वालों के लिए या कि ग्रामीण लोगों के लिए गवारा नहीं है। मैं राज्य शासन से, निर्वाचन आयोग से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के कर्मचारियों को तत्काल हटा दिया जाए, अन्यथा ये निर्वाचन को भी प्रभावित कर सकते हैं। मैं नंदलाल कौर, निवासी ग्राम भमरिया, पंचायत से रहा। 17 जून 2022 को हमारे अधिकारी तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी जी आए थे। हम लोग अपनी समस्याओं को वहाँ पर मतलब बताया समस्या, तो कहने लगा कि हम लोग तो किसी तरह से बहुत जवान लोग तो चले जाएंगे, लेकिन जो हमारे माँ बाप बुज़ुर्ग लोग हैं सियाने, तो उनको कैसे ले जाएंगे? साइकिल से, मोटर बाइक से तो हम लोग चले जाएंगे, पर रास्ते मोटर बाइक साइकिल की नहीं है तो कैसे जाएंगे? तो अधिकारी साहब बोले कि जिसको जाना है तो चला जाएगा, जिसको नहीं जाना है तो नहीं जा पाएगा, और हो सकता है आपकी भी जिम्मेदारी होती है ले जाने का।